विकास खंड सितारगंज में पंचायत उपचुनाव को लेकर ग्राम पंचायत सुरेंद्र नगर से प्रधान पद प्रत्याशी विक्की शील के पिता पूर्व प्रधान उत्तम शील से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की। वहीं पूर्व प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में बताते हुए कहा कि पंचायत में पूर्व में भी अनेक कार्य किए गए हैं और प्रत्येक पात्र परिवार को सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। अगर पंचायत की जनता अपना प्रधान चुन कर लाती है तो ग्राम पंचायत को अलग पहचान देते हुए प्रत्येक पात्र परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। हमारी 2014 का दसवें महीने में हमारे मिसेज सुरेंद्र नगर का पहली प्रधान बनाए जी। हमारे कार्यकाल में जो मैंने कार्यकाल में जो विकास किया है, आदमी को जो चाहिए वो चीज़ को मैंने पूरा किया है। पेंशन का मैंने 99% पूरा कर दिया। शौचालय 200 मैंने करवा दिया है, 200 फाइल अभी भी जमा है। उसके बाद रोड, नाली, बिजली सभी समस्या का लगभग मैंने समाधान के ऊपर लेके गया है। थोड़ा सा काम रह गया, कोरोना चालू हो गया, विकास रुक गई। 2019 में हमारी जो छीड़ा है ओबीसी आ गई। ओबीसी सुरेंद्र नगर में कोई प्रूव हो नहीं पाया। दो बार ओबीसी आया, दोनों बार चैलेंज किया और मैंने ही चैलेंज हाईकोर्ट में भी किया है जी। उस चैलेंज के मतलब से ये जनरल सीट हो गई। जनरल सीट होने के बाद आज जो इलेक्शन उपचुनाव हो रहा है, ये सभी आदमी सामान्य हिसाब से लड़ पा रहे हैं और मैं भी दावेदार हूँ। मैं जो दावेदार हूँ इसमें सरकार का जो कानून के नियम से मैं हाई स्कूल नहीं हूँ, मैं 9 पास हूँ। इससे अगर हमारी लड़कियों को हाई स्कूल पास है उनको पर्चा मैंने दाखिल किया है। जो सुरेंद्र नगर की जनता जो भरोसा किया है उस भरोसा से मैंने अपने लड़कों को उम्मीदवार के हिसाब से खड़े किया है। अभी भी जो सुरेंद्र नगर का जो जनता का मनोबल है वो हमारे ऊपर भरोसा रखा है, समझे। तो आगे जो भी जनता उचित समझेगा हमें उम्मीदवार घोषित कर देंगे, उम्मीदवार नया तरफ से मुझे बना देंगे। आगे के लिए मैं विकास सोचूंगा, जैसे विकास करते हुए आ रहा हूँ आगे भी ऐसे ही करूँगा। ग्राम पंचायत में चार पार्टियाँ, हम किसी को अपना मुकाबला किसी को मानते नहीं हूँ। मैं कोई फाइट नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं अपना को बहुत अपना को मैं बहुत वो समझता हूँ। जो जनता का जो भरोसा रखा है हमारे ऊपर, वो जनता को भरोसा को हमारा पूरा विश्वास है, जो हम किसी को फाइट नहीं मानता हूँ। पंचायत की जनता पूरा समर्थन, हमें समर्थन दे रही। और कुछ नया इस बार करना चाह रहे हो, जो आपके 5 साल के कार्यकाल में कोई काम छूट गया हो? हाँ, उसको पूरा करूँगा। मैं सोचो आपके जो हमने अभी जो आवास की जो फाइल हमने भरा था 300 फाइल, उसमें 90 आवास घोषित हो चुका है। उसका लिस्ट भी टांग गई है उसके क्लाब में, तो उसका तो पूरा होगा ही। और जो भी छूट गई है उसको भी मैं करूँगा। यहाँ कुछ राशन कार्डों का समस्या है। एक बार मैंने खाद्य योजना कार्ड पहली बार जो प्रधान बना उसमें 200 कार्ड मैंने बनवा दिया और आगे अभी जो कार्ड जो छूट गई है उसको भी पूरा करने की प्रयास करूँगा। क्षेत्र में थोड़ी शिक्षा का अभाव है तो उसको लेके कोई कदम आपका हो, जो शिक्षा जो स्कूल है जैसे गवर्नमेंट, वहाँ पे पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती है ना। हमारे ये तो दोनों डाकुआ वाला जो स्कूल है जी, जितने बच्चे हैं हम हर टाइम मास्टर लोग से संपर्क में रहता हूँ, वो अच्छा देख रेख कर रहे, कोई कमी तो नहीं है ना। कोई अभिभावक का कोई हमारा तक आज तक कोई शिकायत किया है जी, अच्छा ही चल रहा है। और कोई नई सोच, जैसे कि अगर प्रधान आपको ग्राम पंचायत की जनता आपके बेटे को प्रधान बनाती है तो कोई नई सोचो, कुछ नया करना चाह रहे हो इस बार? नहीं करना तो होगा ही सर, हमने जिस विधायक को बनाया है वो कैबिनेट मंत्री बन गया है। अब विधायक की सोच है हर गांव को शहरी जैसे बनाने चाह रहे हैं। अब हम भी विधायक जी से जुड़ा हूँ, आगे के लिए जब हमें जनता मुझे चुन के प्रधान बना देंगे तो विधायक के माध्यम से मैं चाहूँगी कि विकास कर दूंगा। तो ये हमारे साथ, धन्यवाद भाई साहब, ये हमारे साथ जुड़े थे प्रधान पद प्रत्याशी के पिताजी उत्तम सिंह जी। इनका कहना है कि अगर दोबारा पुनः प्रधान चुनती है तो हम एक नई दिशा देंगे अपनी ग्राम पंचायत को। धन्यवाद। मनोज हलदार की रिपोर्ट।